हैरान परेशान खड़ा ये बाप सरकारी सिस्टम की लाचारी का शिकार है। जिस बेटे को ठीक करने की आस लेकर अस्पताल पहुंचा था, उसी अस्पताल में इंसानी कायदों ने उसे जीवन भर का दर्द दे दिया। सायरा गोगुंदा का रहने वाला ये पिता अपने बेटे को गंभीर हालत में बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर करना पड़ा और यहीं से शुरू हो गई गरीब की जिंदगी की अहमियत को बौना साबित करने की प्रक्रिया। बच्चे की सांसें 108 एम्बुलेंस के इंतजार में थम गईं, क्योंकि एम्बुलेंस 2 घंटे के बाद पहुंची थी। 10:11 बजे आया था। अच्छा, 2 बजे जोधपुर कौन सा भाई गया रविलाल साहब? हाँ, कागज दिया रेफर दिया। हाँ, नीचे हो गया। दुख सिर्फ इतना ही नहीं था, जिस बच्चे को जिंदा अस्पताल वो लेकर आया था, अब उसके शव को ले जाने को लेकर वो परेशान था। उसके पास एम्बुलेंस का किराया तक नहीं था। जी राजस्थान ने एक पिता के दर्द को समझा और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राज पुरोहित से बात की। इस पर उनका जवाब था, शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं भेजते, रेड क्रॉस सोसाइटी से बात करो और शव वाहिनी में ले जाओ। पिता की बेबसी को वहां मौजूद लोगों ने समझा और पैसा जमा कर उसकी मदद की। के बोले आपको जो कुछ जाना इसके साथ मेरा कौन है? के बोले छोड़े की तबियत खराब है, कोई है नहीं इसका, तो जाना मेरे का ठीक है। के घर वाले ने 100 रुपये को दिए, मेरे सामने नहीं दिए, फिर 50 मैंने दिए इसको, और ऐसे करके लोगों ने कलेक्शन करके भेजा। पाली के अस्पताल में एक मासूम ही नहीं मरा था, इंसानियत भी मरी थी, जो एक पिता की मजबूरी को गरीबी के तराजू में तोल रही थी, जो उसे ये बार बार एहसास दिला रही थी कि तेरा यहाँ कोई नहीं है। सुभाष रोहिसवाल, जी मीडिया, पाली।